वेलकम बैक हम लोग सभी अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं बट अगर ना हम लोग छोटी छोटी आदतों को अपना लें तो हमारा घर ना एकदम से ही नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब मॉर्निंग में हमारा अलार्म बजता है तो हम लोग ना उसको बार बार स्किप करते रहते हैं और पाँच पाँच मिनट करके टाइम को बढ़ाते रहते हैं बट हम लोगों को ना ऐसा नहीं करना है जब भी आपका अलार्म बजता है तो आप उसकी पहली ही रिंग पर उठ जाएं और उठने के बाद कोशिश करें कि आप लोग सबसे पहले अपने बेड को बना दें क्योंकि जब हम लोग ना अपने बेड को बना देते हैं तो हमारा जो आधे से ज्यादा काम होता है वो कम हो जाता है प्लस हमारा जो रूम होता है यानी कि बेडरूम जो होता है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज लगने लगता है अगर हम लोग उसी वक्त ही बेड को ऐसे ही छोड़ दें उठ जाए और दूसरे कामों में लग जाए तो हमारा बेडरूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी मैसी लगेगा और उस टाइम अगर बाई चांस कोई आ जाता है तो आपको भी फिर अच्छा फील नहीं होगा तो कोशिश करें कि आप लोग अपने बेड को तुरंत बना दें के साथ ही ना डस्टिंग का जो कपड़ा होता है या जो आपने कोई भी माइक्रोफाइबर टॉवल जो है क्लॉथ जो आपने रख रखा है डस्टिंग के लिए तो कोशिश करें कि जगह जगह पर आप एक से दो कपड़े रखें डस्टिंग के जिससे कि ना आपको बार बार इधर से उधर ना जाना पड़े और बेड वगैरह है जो भी है तो उसकी आप अच्छे से डस्टिंग कर दें उसके बाद आपकी जो बेडशीट है अगर आपको चेंज नहीं करनी है तो आप उसी को हटा के वहाँ से अच्छे से दूसरी जगह बालकनी वगैरह में झाड़ के और फिर से दोबारा पे आप अच्छे से अपने बेड पे लगा दें तो जब भी आप लोग बेडशीट टकिंग कर रहे हैं तो बस पाँच मिनट आप उसको दें और इतने अच्छे से टकिंग करें उसकी जिससे कि ना दिन भर अगर बच्चे वहाँ पर खेलें कूदें तो बेडशीट ना आपकी बिल्कुल भी खराब ना हो और अगर आप जल्दबाजी में ऐसे ही उल्टी सीधी रख देंगे ना तो फिर क्या होगा कि आपको बार 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 अपनी बेडशीट को ही ठीक करना पड़ेगा तो बस आपको उसी वक्त में एक से दो मिनट देने हैं बहुत ही अच्छे से आपको टैकिंग करनी है और उसके बाद आपने जो भी ब्लो वगैरह रखने हैं आप उसे लगा सकती हैं तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने बेड पर कितने और किस तरह से ब्लो रखना पसंद करती हैं तो मुझे ना मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो रखना काफ़ी पसंद है अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो सिंपल रख सकती हैं नॉर्मली जो दो प्लो होते हैं बड़े वही रख सकती हैं या फिर जैसा भी आपको पसंद यहाँ ना बस मैंने अपनी जो बेडशीट वग़ैरह थी वो अच्छे से झाड़ के लगा दी है साथ में बेड की डस्टिंग भी कर दी है और उसी के साथ ही मुझे जितने पिलो यानी कि कुशन वगैरह जो रखने पसंद होते हैं ना तो मैं बस उसको भी लगा दूंगी तो इससे ना बेड का एक बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है और काफ़ी ही बैठने में आपको भी बहुत बेहतर लगता है इसी के साथ ही फिर आपकी जो भी ड्रेसिंग टेबल है जो आपने बना रखी है तो आपका जो भी सामान वगैरह है उसी वक्त आप उसको उठा के वहीं पे रख दें जो जगह उसकी है क्योंकि मॉर्निंग में ना सभी लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं क्रीम वगैरह है कॉम्ब है ऑयल वगैरह है या फिर रात में आपने कोई भी चीज़ यूज़ की और उसको फिर जल्द जल्दबाजी में आप लोग ना उसको रखना भूल गए तो बस मॉर्निंग में आपने जब बेड ठीक किया है तो उसी उसी टाइम पे ही आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक कर दें जो भी आप उस पर क्लॉथ वग़ैरह लगाती हैं या टेबल रनर वगैरह जो भी है आप उसको यूज़ करती हैं तो बस उसको हटा के वहाँ से अच्छे से झाड़ के दोबारा से लगा दें क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में कितनी भी हम लोग क्लीनिंग वगैरह करें लेकिन फिर भी डस्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाती है तो बस यहाँ पे बेड वगैरह भी मैंने अच्छे से बना दिया है और साथ में जो ड्रेसिंग टेबल थी तो उसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है इसी के साथ ही ना हमारे घर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम लोग आ, मतलब रखना नहीं चाहते हैं बट फिर भी हमें उन चीज़ों को रखना पड़ता है तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से रखते हैं और वो बेकार चीज़ आपकी आ, मतलब बेकार भी नहीं लगेगी तो ये जो मेरी बेड की मे, आ, मैट है ना तो वो काफ़ी मतलब इसकी शेप जो है वो बिगड़ गई है काफ़ी पुरानी है बट अभी मेरा ना इसको बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं था तो मैं इसको यहाँ पे बेड की साइड से लगा लेती हूँ और इस पर अच्छे से एक बेड शीट लगा देती हूँ जिससे कि ना जो मैट वग़ैरह है वो एकदम से कवर हो जाए और इसी के साथ ही प्लो है कुशन वगैरह है तो वो भी मैं इस पर रख देती हूँ तो एक छोटा सा डी जो फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट है वो मेरा हो गया है आप सोफ़ा भी इसको कह सकते हैं या कुछ भी तो बस मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेती हूँ और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर ना वो मैट है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो बस आपको चीज़ों को कुछ इस तरह से रखना है कि आपकी बेकार चीज़ भी ना बहुत ही अच्छी लगे साथ में आप हल्का सा कोई भी फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं जिस के साथ ही ना बच्चे हम सब लोगों के घर में होते हैं और बच्चे खेले ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और बच्चों के ना काफ़ी सारे टॉयज भी होते हैं छोटे हैं बड़े हैं हर तरह के होते हैं बच्चे तो ना अगर टॉयज से खेल के उनको छोड़ दिया है तो आप भी उसको ऐसे ही ना छोड़ें तुरंत ही कोई भी एक बास्केट वगैरह लेके आप उसमें रखें तुरंत वहाँ से हटा दें तो इससे ना ये होगा कि वो एरिया एकदम अच्छे से अरेंज हो जाएगा इसी के साथ ही आप अपने जो भी डोर्स होते हैं ना तो वहाँ पे आप अपनी डोर मैट रखें तो जिससे कि आप गंदे पैर लेकर अगर बाहर से आ रहे हैं तो मैट पे अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद आप रूम में अंदर आएँ इसी के साथ ही हम लोग के घर में बच्चों के कपड़े होते हैं हमारे वॉश करने के बाद ना आ, हम लोग के ना कपड़े इसी तरह से पड़े रहते हैं या फिर ऐसा होता है कभी कभी के टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है जो कि हम उन कपड़ों को फोल्ड वगैरह करके रख सकें तो आपने ना क्या करना है कि दो चार छः जितने भी कपड़े हैं कोशिश करें आप उनको उसी वक्त ही फ़ोल्ड करके रख दें आप उनको ना इकट्ठा ना होने दें तो जैसे कि यहाँ पे ना दानिन के मेरे दो सूट थे तो बस मैंने उनको तुरंत ही फोल्ड करके रख दिया नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ा इसी के साथ ही आयरन करना ना हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ख़ास करके काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना आयरन करना कपड़ों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आपने ना क्या करना है कि अगर आपके एक दो तीन जितने भी आपके आयरन करने के लिए कपड़े हैं ना तो आप उनको उसी वक्त करके रख दें ऐसा नहीं है कि आप दस से पंद्रह कपड़े इकट्ठे करें उसके बाद आप उन्हें आयरन करें तो इससे ना क्या होगा कि आप जो भी कपड़े होंगे ना एक से दो आप उन्हें तुरंत कर लेंगी ना तो आपके टाइम की भी बचत होगी प्लस आपके मेहनत की भी बचत होगी और साथ ही आपको भी लगेगा कि भाई दो मिनट में होने वाला है ये काम तो मैं क्यों इसको आगे के लिए छोड़ ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना तो यकीन माने बहुत ही हम लोग की लाइफ इजी हो जाएगी इसी के साथ ही हम लोग ना चार्जर वगैरह फ़ोन चार्ज करते हैं लैपटॉप वगैरह है काफ़ी सारे हमारे घर में चार्जर होते हैं तो आप ना उसके लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं कोई भी एक बास्केट रख सकती हैं तो यहाँ पे ना मैंने जूट बास्केट रख रखी है जिसमें ना मैं अपने जो भी चार्जर वगैरह होते हैं उनको फोल्ड करके अच्छे से इसमें रख देती हूँ इसी के साथ ही डस्टिंग भी आप डेली बेसिस पर करें कहीं की भी हो ज़रूरी नहीं है आपका घर बड़ा है तो आप अगर एक बार में नहीं कर सकते हैं तो आप ना थोड़ा थोड़ा करके डेली ही छोटे छोटे से पार्ट्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ना डस्टिंग का अपना रूटीन बना सकते हैं इससे ना ये होगा कि जब भी आपके घर में कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो आपको घर जब भी देखेगा और कोई भी जगह या कोई भी चीज़ इधर उधर रखी पड़ती है मिलती है तो ना अच्छा नहीं लगता है आपको भी फिर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेकार फील होगा तो कोशिश करें कि चीज़ों को जहाँ की हैं चलते फिरते वहीं रख दें डस्टिंग वगैरह का अपना एक रूटीन बनाएं ये ये कुछ छोटे छोटे से ऐसे टिप्स हैं जो कि अगर आप लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि आपका घरना 24 फ़ोर हावर्स एकदम नीट एंड और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है प्लस आपको लगेगा भी नहीं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं भी बस इसी तरह से कुछ छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करती हूँ और मेरे भी दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों के साथ मैं अपने घर को एकदम से वेल मेंटेन करके रखती हूँ तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कितना हम उसको लेके चिड़चिड़ा रहे हैं तो बस कोशिश करें कि काम हमारा है हमें ही करना है तो एकदम से कूल होकर आप अपने काम को करें जितना आप शांति से अपने काम को करेंगे तो बच्चे भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और साथ ही आपको भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी तो बस ये थी कुछ मेरी ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी साथ ही अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे चलें मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय